7,19,497 वोटर्स हैं। इसमें केंद्र है हमारे जो बूथ्स हैं वो 798 पहले थे, उसके बाद अभी क्योंकि कल तक वोट बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, 12 तक हमने नॉमिनेशन थे और कल तक उनको डिसाइड किया है, तो उस डिसीजन के बाद एज पर इंस्ट्रक्शन जो है हमने 11 ऑक्सिलरी बूथ्स और बनाए हैं। ऑक्सिलरी का मतलब यही होता है कि वो जो एक मेन बूथ है उसके साथ वाला ही कमरा, तो दूसरा तो उसमें वो वोटर लिस्ट जो है बीच में से निकाल के वो आधी कर दी जाती है, क्योंकि वोटर ज़्यादा हो जाते हैं गाँव में, 1200 से ज़्यादा शहर में, 1400 से ज़्यादा जिस बूथ पर हो जाते हैं तो उसको स्प्लिट कर दिया जाता है। तो 11 ऐसे बूथ हैं जो कि ऑक्सिलरी बूथ आएंगे, वो सारे ही बहादुरगढ़ एरिया में हैं, बहादुरगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, सारे 410 लोकेशन आएंगी। उसका जो ब्रेकअप है अर्बन एरिया का, अर्बन एरिया में 16 ऐसी लोकेशन है जहाँ से 1 बूथ है, 25 ऐसी हैं जहाँ 2-2 बूथ हैं, 16 लोकेशन ऐसी हैं जहाँ 3 बूथ हैं, 6 लोकेशन पे 4-4 बूथ हैं, 5 3 लोकेशन पे 5-5 बूथ हैं, 1 लोकेशन पे 6 बूथ हैं। ऐसे ही रूरल का हम बताएं तो 146 जगह पे सिंगल बूथ है, 115 पे 2 हैं, 68 पर 3-3 बूथ हैं, 12 पे 4 हैं, 5 बूथ एक जगह हैं और शायद एक रूरल में 6 का भी एक बूथ है। पुराना स्कूल था वो स्कूल चेंज हो गया, पुराना स्कूल बंद हो गया था, वो बदला हुआ है, बाकी तो सेम उन्हीं में बूथ वगैरह है। भवन का नाम उसमें बदला है, वो है हाइपर सेंसिटिव और सेंसिटिव बूथ की संख्या है। हाइपर सेंसिटिव की कैटेगरी में हमने 238 बूथ रखे हैं जो कि 108 लोकेशन पर हैं, और सेंसिटिव बूथ है 138 जो कि 65 लोकेशन पर है। इस पे स्पेशल ध्यान दिया जाएगा, इसके ऊपर माइक्रो ऑब्जर्वर है या सीसीटीवी कैमरा है या वेबकास्टिंग है या वीडियोग्राफी है, उनके द्वारा इनको कवर किया जाएगा, या जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी तैनाती इस पे करी जाएगी, ताकि इस पे विशेष ध्यान रहे और किसी भी प्रकार की कोई असुविधा किसी को ना हो। सेक्टर सुपरवाइजर 66 है, फिर जो एनसीसी वगैरह की वेरिफिकेशन के लिए या पकड़ धकड़ के लिए 33 टीम्स, फ्लाइंग स्क्वाड टीम है, 12 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है, और अकाउंट्स रखने के लिए या वीडियो सर्वेलेंस के लिए 4-4 टीम है वो है, और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर विंकर मॉनिटरिंग के लिए और वीडियो व्यूइंग के लिए हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक टीम है और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम है। 1240 कॉन्स्टेबल और 1065 होमगार्ड, टोटल हमारी 2738 के करीब डिप्लॉयमेंट होगी। और इससे अलग जैसे डी साहब ने बताया कि सीपीएम अभी हमारी आई नहीं है, सीपीएम आने के बाद उसको हम सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव पे लगाएंगे उसके हिसाब से, तो ये हमारा प्लान रहा है इसका उसका सर्विस का। इसमें पेट्रोलिंग पार्टियाँ अलग से हैं, इसमें हमने 12 लाख के जो लगाए हैं, 12 लाख के लगाए हैं बॉर्डर्स पे, हर बॉर्डर पे नाका लगाया, दिल्ली बॉर्डर, गुड़गांव बॉर्डर, रिवाड़ी बॉर्डर, रोहतक बॉर्डर, दादरी बॉर्डर, सब पे हमारे 12 नाके ये लगे, और 3 नाके हमारे बिल्कुल ही 2.5 नाके हैं, और 10 नाके हमारे दिल्ली बॉर्डर पर लगे हैं। और विधानसभा अनुसार एक एक डीएसपी बहादुरगढ़ में डीएसपी अजय सिंह, उनके साथ दिलीप सिंह इंस्पेक्टर रोड अफसर रहेगा, पादरी में अशोक कुमार, इंस्पेक्टर सुनील, जज्जर में रणवीर और नरेश कुमार, ये हमारे नोडल अफसर रहेंगे। और अब तक हमने जो इलेक्शन से संबंधित कार्य करते हुए जो कुछ रिकवरी की है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। अब तक हमारे 5401 लसंस थे, जिनमें से 5363 हमने जमा करा लिए हैं, और 70 आदमियों के खिलाफ हमने 157 कार्रवाई की है,
और जो न्यायालय से रोल मिले वार्ड में हुए थे 263 में 236 हमारे तमिल हो गए, 27 हमारे नियर बाई डेली आते रहते हैं, डेली बेसिस पे होते रहते हैं। टोटल नाक के हमारे 25 लगे हैं जिनमें पुलिस चेकिंग कर रही है। और हमने अब तक अंग्रेजी शराब 4338 बोतलें, देसी शराब 9276 और बियर 2209 बोतलें अभी तक पकड़ा है। अवैध असले में हमने 35 अवैध असला पकड़ा है, 152 कारतूस पकड़े हैं, 1 किलो 530 ग्राम चरस, 176 ग्राम अफीम चूड़ा पोस्ट, 2 किलो 18 ग्राम और 7 अपराधी जो वनडे टाइम के लोग गिरफ्तार किए हैं, अच्छा 9 बेच उन पर गिरफ्तार किए हैं, दुष्कृत व्यक्ति जो होते हैं जो करते हैं वो किए हैं, 1 अतिवंशिक अपराधी गिरफ्तार किया, ये अभी तक हमने रिकवरी कर ली है और वो हमारा साथ साथ चलता रहेगा। यहाँ मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, इस दौरान हमने जिले में 1 लाख का जो मोस्ट वांटेड अपराधी है 1 लाख का सचिन दबोदा, जिसने सरपंच जो दबोदा का था उसका मर्डर किया था, एक सरपंच का, उसको भी हमने कल TMT से CIA1 की टीम ने मेरा पकड़ लिया है, उस पर 1 लाख का रिमांड था, उसके पास 5 केसेज हैं अलग अलग, उसके उसकी रिपोर्ट आपको दे दी जाएगी। सचिन ने कहाँ कहाँ वारदातें की थी और इसके अलावा हमने 6 आदमियों पर 1 लाख का रिवॉर्ड पाया था जिनमें अलग अलग था, उसमें एक तो था राजू बसोदिया जो राजू यह सोनीपत जिले का रहने वाला है, इसके 1 लाख का इनाम है, इसका अलग अलग योग है। उसके बाद हमने अक्षत लड़ा, ये भी सोनीपत का रहने वाला है, इस पर भी 1 लाख का इनाम करवाया है, इस पर भी काफ़ी वारदातें थी। पवन रूप कोतला सोनीपत का रहने वाला है, हमारे किसी में जो पीछे मर्डर हुए थे इनमें वांटेड है हमें, ये इस पर भी हमने 1 लाख का इनाम रखवा दिया है DGP साहब से अनुरोध करके। और सचिन भांडा इस पर भी हमने 1 लाख का इनाम करवाया, ये भी हमारे केस में था, और सचिन जो दबोदा था इसमें 1 लाख का इनाम था, तो ये हमने कल पकड़ लिया। तो ये अपना रियल तक की हो रही है आपको, हमने नियर बाई जैसे कि 30 तक कटाई दिया हुआ है क्योंकि उनको खतरा है, और कुछ आदमी को जंक्शन में किया, जंक्शन में हमने जैसे बैंक पेट्रोल पंप मालिक और ज्वेलर्स और पेट्रोल पंप ज्वेलर्स और ये इंश्योरेंस कंपनियों वाले सरकारी मुलाजिम जो किसी भी तरह का मतलब वो करते हैं, और कुछ जो व्यापारी लोग हैं जिनको वाकई खतरा है और वो लोगों के पास उन्होंने अपने प्राइवेट गनमैन रखे हैं, क्योंकि इसमें DG साहब की और मेरी कमेटी बनी है, हमने मीटिंग करके उनको एग्जेम्पशन दी हुई है और खतरा भी है, आपको मालूम भी है कि हमारे एरिया में कुछ अवांछित तत्व भी है, और उस वजह से क्योंकि कई सारे लोगों को भी एक इशू रहता है कि जब सब पीरियड का एक हफ्ते का उसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लगता है कि स्लो है लेकिन वो हफ्ते के बाद क्लियर भी हो जाता है। जो पेमेंट तो हो रखी है, डेट वाइज हो रखी है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कुछ एक किसानों का जो अकाउंट नंबर था या IFSC कोड था उसमें कहीं 0 की जगह O या O की जगह 0 पढ़ा गया या एक दो और नंबर में कहीं ऊपर नीचे हुआ है, तो वो उनकी बीच बीच में बची है, तो वो कभी ग्रीवेंस सेट में जाके करेक्शन हो के वो दोबारा आता है तो सेकंड लॉट उसमें टाइम लग रहा है, तो उसमें ज़रूर लोगों को दिक्कत हो रही है क्योंकि वो किसान के लेवल पर ही रजिस्टर कराया गया है, तो वो अनजाने में इस प्रकार से भूल हुई है या हमारी तरफ से भी हमारे कर्मचारी की वजह से, तो वो भूल के कारण वो रखा है। बाकी तो कहीं इंडिविजुअल केस में मेरे पास आए हैं कल भी एक तो आए थे, आज शायद एक आया है, तो ऐसा नहीं है कि कोई लार्ज स्केल पे इस प्रकार की कोई बात है। फिर जगह की कमी तो छोटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फिजिकल स्पेस है उसको तो कोई खींच के लंबा चौड़ा तो कर नहीं सकता है, उठान नहीं हो पा रहा, तो उठान तो इसीलिए नहीं हो पा रहा है, उठान का एक सिस्टम है। अब आपने एक आदमी को ठेका दे दिया, वो महीने 20 दिन में उस काम को करने के लिए लेबर लेके आता है, सारा गेहूं है या सरसों है वो 5 दिन में 7 दिन में मंडी में आ जाता है, तो वो एक बारी पीक करेगा फिर उसके बाद फिर वो वापस आएगा, तो बीच में हफ्ता 10 दिन की हर एक मंडी में कोई जजर का हाल नहीं है, जहाँ बड़ी मंडियाँ हैं बड़ा स्पेस भी है वहाँ पे भी 4 दिन 5 दिन का बीच में ज़रूर दिक्कत आती है, तो उसको हमें बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अब कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, यहाँ कुल मिला के ज़िले में ही 2 लाख मीट्रिक टन आनी है, वो
इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर देते हैं, मंडी का स्पेस जो है 15 दिन यूटिलाइज होता है, अभी अब 15 दिन यूटिलाइज होगा सर अक्टूबर नवंबर में, बाकी तो 15-15 दिन करके, सॉरी 15-15 दिन करके वो एक महीना यूटिलाइज रहता है, 11 महीने वो खाली रहता है। तब खाली रहने के लिए इतना लंबा चौड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं कर सकते ना, उसमें जैसे दूसरे राज्यों में है, मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर तो जैसे शुगर मिल में होता है कि इंडेंट कर देते हैं, सरकार किसान को पहले ही बता देती है कि इतनी तारीख को आना है, आप इतना गेहूँ ले आइए, आज इतना ले आइए, आज इतना ले आइए, आज इतना ले आइए, उनका 3 महीने का प्रोसेस चलता है, वो उसको बिल्कुल ही स्टैगर कर देते हैं। हमारे यहाँ उस प्रकार का कोई सीन नहीं है, हमारे तो किसान जो है खेत से कंबाइन से हुआ उसने ट्रॉली में सीधा डलता है और ट्रॉली से वो सीधा मंडी में आ जाता है, वो किसान अपने घर में फसल को लेके ही नहीं जाता, तब वो बेयर करना पड़ेगा क्योंकि कंबाइन बाहर से आती है, वो फटाफट गीला सूखा जैसा भी है वो करके और एक बार निकल जाती है, तो वो मिनिमम ड्यूरेशन में कंबाइन अपना काम करके, वो भी क्योंकि कमाई का सीज़न है तो आगे से आगे काम करना चाहते हैं, वो ईस्टर्न की तरफ, ईस्ट की तरफ से आते हैं और करते करते हिसार सिरसा फतेहाबाद की तरफ निकल जाते हैं, तो वही टीम होती है, वो टीम हर एक ज़िले को कवर करते हुए, तो हमारा एक हफ्ता पहले वहाँ से परवल से शुरू होते हुए और हफ्ता 10 दिन बाद तक का वो एक टेल बनी हुई है, उसी सिस्टम से आता है। ट्रांसपोर्टर की लापरवाही के लिए मैं पिछले हफ्ते मंडी में भी गया था, मैंने आढ़तियों को खुली छूट ये दी थी, जो ट्रांसपोर्टर का रेट है, जो लोडिंग अनलोडिंग का रेट है वही मैं आपको दे दूँगा, कहीं भी लापरवाही करता है आप अपने हिसाब से उसको हमारे गोडाउन में पहुँचा दीजिए। नहीं, उसका समाधान तो यही है ना कि एक आदमी गलती कर रहा है तो दूसरे आदमी से करा लेंगे, ठीक है, और वो जो पैसा है वो उसको दे देंगे, डायरेक्ट देंगे हम। सर, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये आती है मंडी में कि प्राकृतिक प्रकोप, जैसे बरसात आ जाती है, पानी की निकासी का प्रबंध पहले नहीं होता है, और जब फसल खराब हो जाती है, जो हमारे गोडाउन में जाए, चाहे किसान का नुकसान हो, चाहे किसी व्यापारी का नुकसान हो, उसके बाद सचेत न होते प्रशासन भी और वहाँ के जिम्मेवार कर्मचारी और अधिकारी भी, क्या इससे पहले हर बार बरसात आती है, क्या इससे पहले क्या हो सकती है पानी की निकासी की? अभी तैयारी तो इसमें तो कोई दोहराई नहीं, ये तैयारी पहले क्यों नहीं हो सकती, अभी तैयारी पहले पूरी हो सकती है, दिक्कत लेवल लेवल कोई चीज़ है किसी टेक्निकल वजह से है तो उसको हर साल ये स्पेशल नहीं चलो।